नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। वैशाली सांसद के बेटे की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है, कैसे आप तस्वीरों में देखिए। वैशाली सांसद और MLC दिनेश सिंह के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार घटना देर शाम की बताई जा रही है, जहां लोजपा सांसद वीणा देवी और JDU MLC दिनेश सिंह के बेटे राहुल राज उर्फ छोटू सिंह बुलेट से जा रहे थे, तभी जैतपुर OP क्षेत्र से एक पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी है, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आप सुने इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं DSP अभिषेक राज। महोदय के पुत्र राहुल राज की सड़क दुर्घटना में जैतपुर थाना अंतर्गत एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद पुलिस उनको लेकर के सरिया PSC में तुरंत भर्ती कराया। उसके बाद वहाँ सफ़र किया गया तो हम लोग स्किम से आए लेकर के उनको, और यहाँ पे पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। बाकी हम लोग वहाँ पर पोखरा टोल टैक्स के पास वाहन की पहचान है। तो सुना आपने इस पूरे मामले को लेकर DSP अभिषेक राज ने क्या कुछ कहा है। बता दें आपको कि LJP सांसद वीणा देवी और JDU के MLC दिनेश प्रसाद के बेटे राहुल राज की हुई मौत के बाद उनके घर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक कोहराम मचा हुआ है। देर शाम हुई इस घटना के बाद हजारों की संख्या में लोग सांसद के आवास पहुंच रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे हो। कितनी भारी संख्या में लोग जो हैं वो इस घटना से मर्माहत हैं और सांसद के आवास पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले के कई जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी पहुंचे हैं। घटना के बाद परिजन में कोहराम मचा हुआ है। देर रात मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद सौ सांसद मीना देवी के आवास पर लाया गया है। इस घटना से परिजनों में जो है चीख पुकार मची हुई है। बता दें आपको कि वैशाली सांसद और MLC दिनेश सिंह के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, जिसके बाद पूरा परिवार जो है वो गमगीन है। जानकारी के अनुसार घटना देर शाम की ही बताई जा रही है, जहां लोजपा सांसद वीणा देवी और JDU MLC दिनेश सिंह के बेटे राहुल राज उर्फ छोटू सिंह बुलेट से जा रहे थे, तभी जैतपुर OP क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर वो शख्स कौन था, और अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। बता दें आपको कि LJP सांसद वीणा देवी और JDU के MLC दिनेश प्रसाद के बेटे राहुल राज की हुई मौत के बाद लोगों के बीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा मर्माहत हो गए हैं लोग, और उसके बाद घर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक कोहराम जो है वो मची हुई है। देर शाम इस घटना के बाद हजारों की संख्या में लोग सांसद के आवास पहुंच रहे हैं, वो इस घटना से जो है काफ़ी ज़्यादा मर्माहत है और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो शख्स कौन था। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि लोगों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले के जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंच रहे हैं। घटना के बाद परिजनों में कोहराम जिस तरह से मचा हुआ है, देर शाम मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव जो है सांसद के आवास पहुंचा है और लोगों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि रोड एक्सीडेंट में बेटे की मौत होने के बाद सांसद के घर लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। फिलहाल पूरा परिवार जो है वो गमगीन है, लोग पहुंच रहे हैं। आखिर जिस तरह से ये घटना हुई है, कल शाम की ये घटना बताई जा रही है, हालांकि किसने टक्कर मारी है और इसके पीछे क्या कुछ राज छुपा है, फिलहाल तमाम बिंदुओं पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है, तो ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से ये सड़क दुर्घटना हुई है, वाकई इस खबर ने लोगों को दहला कर रख दिया है। और आपको बता दें कि फिलहाल तमाम बिंदुओं पर जांच जारी है, क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं, क्या कुछ इसके बीच पता लगता है, उससे भी हम आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल आप जुड़े हैं NBC 24 पर।